नालंदा का काफ़ी फेमस जो है ना, तकरीबन सबसे फेमस अगर किसी को कह सकते हैं मेहमान सराय, वो होटल है कि जिसका आफ्ताब इकबाल ने भी अपने शो के अंदर जिक्र किया हुआ है कि मेहमान सराय का जो मटन है ना वो कमाल है। तो अभी जा के अंदर देखते हैं और ट्राई करते हैं कि ये है किस तरह का, किस तरह बन रहा है सारा। ये यहाँ पे आ गई जी, रान निकालने लगे हैं। भाई जान कितने एक बकरे सारे यहीं पे होते हैं आपके पास ही? यहाँ पे सारा गोश्त जो है ना हमारा रान का कट के तैयार हो गया। तो अभी ये पकेगा तो इसकी मेकिंग दिखाते हैं आपको आगे जाके कि ये बनता कहाँ पे। किचन का भी काफ़ी ह्यूज सेटअप है, तो अभी वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं कि ये सारा चीज़ बनती कैसे है वहाँ पे। यहाँ पे जी तंदूर का सारा सेटअप है, यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बन रही हैं सारा, यहाँ पे रोटियों का निज़ाम है, रोटियाँ नान सारा कुछ यहाँ पे भाई लगा रहे हैं। आ गया जी तंदूर और आ गया यहाँ पे किचन आ गया। क्या चीज़ बन रही है? मटन है सारा, मटन ही यहाँ पे सारा मटन ही बन रहा है यहाँ पे भी है। यहाँ पे सारा कढ़ाइयों का निज़ाम है पूरा, यहाँ पे पड़ी है। ये तैयार है भाई जान? ये चिकन पड़ा हुआ, यहाँ पे तैयार हो रहा है जी मटन। ओए होए 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 फुल हैवी ह्यूज किस्म का, यहाँ पे सारा मटन का ही सारा तकरीबन काम है। और सरगोधा में सबसे मशहूर जो मटन के लिहाज से होटल है वो यही है, मेहमान सराय होटल। गोश्त हमारा यहाँ पे धुल के तैयार हो गया, नहायत ही फ्रेश किस्म का यहाँ पे लग रहा है। ये क्या चीज़ भैया? नमक। अच्छा ये नमक आ गया, उसके बाद आ गया यहाँ पे प्याज। फिर यहाँ पे ये टमाटर आ गए हमारे। सारे किचन का सेटअप आप ही चला रहे हैं? बस एक ही शेफ? नहीं सर, दूसरे छुट्टी पे है। दूसरे छुट्टी पे है। टोटल कितने हैं? पांच बंदे। पांच बंदे हैं। ये आ गया सारा प्रेशर कुकर के अंदर। कितनी एक देर लग जाती है तकरीबन इसे प्रेशर कुकर? 45-50 मिनट। 45-50 मिनट तक तैयार हो। ये आ गया जी बारबेक्यू का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है, मेहमान सराय में एंटर होते ही। ये साथ में पार्किंग है, अंदर मेन हॉल है और यहाँ पे साथ ही जो है ना मेहमान सराय का बारबेक्यू का सेटअप है। यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है। क्या चीज़ है भाई जान? ये मलाई बाटी। और ये साथ में टिक्का, साथ में ये मछली है। कौन सी है ये मछली? रोहू। रोहू मछली कौन कौन सी होती है आपके पास? रोहू होती है, बंगच होती है। अच्छा रोहू बंगच बस दो ही हैं? दो ही। बाकी कोई फिंगर फिश वगैरह नहीं होती? ये क्या चीज़ है? चांपे लगी हुई है? चांप लगी। ये यहाँ पे चांप ये ग्रिल के ऊपर बन रही है।
ओए होए होए। अच्छा पहले एक वैसे कहीं और जगह पे नहीं मैंने देखा ये चांप, अगर ग्रिल पे हो रही हो कहीं। ये जी तकरीबन 40 मिनट बाद हमारा जो गोश्त है गल गया भाई जान। गल गया जी। 40 मिनट बाद तकरीबन ये प्रेशर कुकर इन्होंने खोला है, तो अभी इसे कढ़ाई में बनाएंगे आप जी सर? कढ़ाई। अच्छा, अभी ये जी कढ़ाई में तैयार होगा। ये 40 से 45 मिनट इसे कुकर में रखते हैं ताकि जो है ना मटन गाल जाए, फिर बाकी मसाले वगैरह उसे तड़का वगैरह लगाना जो कढ़ाई में, वो इसके बाद लगाते हैं। अभी सख्त है? अच्छा जी लगा दें। तकरीबन 10-10 मिनट का है अभी जी सर। ये गोश्त गल के तैयार हो गया और अब आ गया एक कढ़ाई के अंदर। अभी इसके अंदर ये सारा पानी वगैरह खुश्क होगा, मसाले वगैरह जाएंगे। ओए होए होए होए। आगे सब्ज मिर्च, ये क्या चीज? जीरा। जीरा कुछ धनिया, सूखा धनिया आ गया जी। उसके बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खुश्क होता जा रहा है और मसाले अंदर जा रहे हैं और कढ़ाई की शक्ल निकलना यहाँ पे शुरू हो गई है। ये क्या चीज़ आ गई? काली मिर्च। अच्छा काली मिर्च आ गई। अच्छा बस ये पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मतलब रेडी हो गया ये? रेडी है। अच्छा ये आ गया जी ऊपर धनिया। एक मिनट रुको। एक मिनट मुझे भाई इसे पकड़े। एक मिनट दोनों का शॉट आ ये बना लिया कि नहीं? हाँ हाँ बनाया। अच्छा मैंने ना ये जी हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी होने के बिल्कुल पास है। क्रीम आ गई अभी ऊपर। ओए होए 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 होए
चढ़ाई की यहाँ पर शक्ल निकलना तैयार हो गई है और बिल्कुल एंड पे पहुँच गया जी कढ़ाई। ओ हो हो हो, 2 किलो हमने यहाँ पे रान लगवाई है, तकरीबन 2 किलो से ऊपर ही था, 2.5 किलो थे मेरे ख्याल से। अभी जो है यहाँ पे ये बिल्कुल शक्ल जो है ना निकल आई है। ओ हो 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 हो, कढ़ाई यहाँ पे पूरी जी हमारी तैयार हो गई है। ओ हो 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 हो, ये ऊपर लाल मिर्चें, धनिया, ओ हो बिल्कुल यहाँ पे मटन के पीसीस नज़र आ रहे हैं। ओए होए 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 होए, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।